फोन आ काट ला फिर ठीक है थोड़ा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं लक्ष्मी स्वागत करती हूँ फिर से अपने न्यू ब्लॉग में। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने गांव से, अपने घर से। और मेरे गांव का नाम है अधोड़ा, और अधोड़ा के धमोरी तोक में हम लोग रहते हैं। ये ओखलकांडा ब्लॉक में पड़ता है। और आज मैं अपने गांव से अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। और टाइम लगभग 10 बज गया है और सुबह के टाइम थोड़ा बहुत ठंडा था तो ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। अभी बज रहा है 10। और एक बार यहाँ का मौसम आपको दिखाते हैं। सामने में ना इतने सारे ना माल्टे के पेड़ हैं, 1 2 3 4 5। क्या कर रहा है तू है कल्लू? ये देखो, ये है हमारा कल्लू। और इधर फाइनली गाइस दिन का खाना बनने लग गया है और दाल चावल बना रही हूँ मैं, चूल्हे में बनाऊंगी आज। ये देखो कढ़ाई मैंने रख दी है और फटाफट से फाइनली गाइस तेल गर्म हो गया है तो अब इसमें डालते हैं जीरा। और मेरी ना ऐसी हालत ख़राब हो रही है ना यहाँ चूल्हे में खाना बनाने में, क्योंकि धुआं लग जा रहा है तो अच्छे से बन नहीं पा रहा है। चलो फटाफट से दाल बना लेती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों को। मैं जा रही हूँ नीचे, वहाँ ना जेठ जी और जेठानी जी दोनों गए हैं घास काटने के लिए। वो सुखाने वाला घास होता है जो उसको काटते हैं, और मैं भी जाके आती हूँ थोड़ा बहुत लेके आ जाऊँगी। काटने का तो टाइम नहीं है, लेके आ जाऊँगी। चलो चलती हूँ। घर ऐसे रास्ते से तो जाना है, लूंगी तो हो गया हालत यहाँ से। पता नहीं कौन से वाले खेत में गए हैं, देखते हैं नीचे नीचे गए होंगे कहीं, अभी तो नहीं दिख रहे। यहाँ से नीचे ना पूरा चट्टा आए हैं घास लेने। वो दीदी चले गई घास लेके, इतना मेरे लिए है। अभी जेठ जी भी घास काटने आए हैं, मस्त जेठ जी लगा रहे हैं मेरे लिए घास का गट्ठा। ये देखो तुम आप फोन ना काट ला फिर ठीक से थोड़ा देखो। इतने खतरनाक हैं, यहाँ से चढ़ना है। लेके आ गई मैं, जेठानी भी चलेगी। जेठानी फाइनली घास लेके आ गई हूँ मैं घर को, और जेठानी जी भी चलेगी हैं घर को काट लेके घास लेके। जेठ जी अभी पीछे ही हैं, वो अपने लिए काट के लाएंगे दोबारा से। चलो गाइस अभी ना घर जाके मिलते हैं, क्योंकि सांस फुल्ली बोला ही नहीं जा रहा है चढ़ाई में। अभी भी है रात का टाइम और अभी हम बना रहे हैं खाना, और क्योंकि खेत में से आ गए थे उसके बाहर पार हुए, अब बना रहे हैं खाना बनाने का टाइम। और एक बार पहाड़ सामने में हमारा गांव दिखाई दे रहा है, मस्त वाली लाइट जल रही है, अंधेरा हो रखा है पूरा। नीचे भी गांव है हमारा, ये सारे लाइट ना है इनकी। मूली का थेचवा बना रहे हैं आज हम। ये देखो इधर मूली थेच रहे हैं मेरे जेठ जी, मस्त। ये तली वाले चलो नहीं हो ना, तो मूली का पाउडर है मैं। अरे थोड़ा डिम जा गया ना लाइट, थोड़ा चल ले बहुत भाई, लेकिन रोशनी तो कम देता, चल तो बहुत। छिलपट्टे में थेज के बनाएंगे सब्जी। ये देखो इतनी सारी मूली और इधर थे। फाइनली गाइस अब मैं आ गई हूँ रसोई में, और आटा वाटा गूंथते हैं, रोटी वोटी बनाते हैं फटाफट से। काफ़ी ज़्यादा ना धुआं लग रहा है रसोई में, क्योंकि आग जला रखे तो। एक सेकेंड, चलो गाइज इस ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ। हम लोग खाना वाना बनाते हैं, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जहाँ अपनी फैमिली के साथ व्यस्त रहो। टाटा बाय बाय।